अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हंगामा टाइम्स न्यूज की खास पेशकश क्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज की खास पेशकश क्राइम बुलेटिन। दिनांक 26/8/2022 को थाना विभूति खंड अंतर्गत एक HDFC बैंक के प्रबंधक अतुल भारती, उन्होंने तहरीर दी कि एक आदमी है जिसने कुछ कूट रचित दस्तावेज लगा के लोन अप्रूव कराया है। इसमें 570/22 मुकदमा संख्या अपराध दर्ज हुआ थाने में और इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनका नाम रिगाम सहाय और अभिषेक भारती है, जिसमें से एक वांछित भी है अभी। इसकी पूरी कहानी यह है कि ये आदमी कई इंश्योरेंस कंपनीज में दलाल का काम करता था और वहां से जो लोग कोरोना में मर चुके हैं उनकी डिटेल लेके कूट रचित तरीके से आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाता था और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करता था। इसने अभी तक 23-24 बैंक से लोन लिए हुए हैं जो कि इसको अप्रूव हुए हैं और जिसका अमाउंट करोड़ों में है। इसके पास से कई मोबाइल फोन, कई कूट रचित पैन कार्ड, आधार कार्ड और चेकबुक पासबुक बरामद हुई है। इसमें जो एक इसका भी उत्तर है उसके लिए टीम लगाई गई है, जल्दी गिरफ्तारी कर ली।